ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिनारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच त्योहार मनाए पर यह मत भूलें कि संक्रमण का खतरा चला गया है। शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की ईद का त्योहार पर नमाज घर पर पढ़ें, भीड़भाड़ वाली जगह से बचें, रक्षाबंधन के त्योहार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान थाना प्रभारी ने शांति समिति की तरफ से बैठक में उपस्थित दिनारा के गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव भी दिए। बैठक में पत्रकार, बंधु, व्यापार, ग्रामीण जन, पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। लगाएंगे और दो गज की दूरी रखेंगे और ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखते हुए और भाईचारे से अपन त्योहार मनाएंगे। इसी शांति से त्योहार मने यही हमारी कामना है। इसी बारे में मैंने मीटिंग बुलाई है। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सारी कार्रवाई करेंगे और भाईचारा से बना त्योहार को मनाएंगे। अच्छा, कोई निर्देश जारी हुआ है कि मस्जिद में या मंदिर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल? हाँ, 20-25 लोग प्रवेश करके, 20-25 लोगों के साथ, ज़्यादा भीड़ नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं। अच्छा, एक बात और सर, इनकी जो मस्जिद में नमाज अदा करवाएंगे या सड़क किनारे, क्योंकि पिछली बार एक बार सड़क पर भी, सड़क पर मस्जिद इनको अदा करना पड़ी थी, ऐसा वो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका कारण ये है कि जो संसार पर जाए इनकी ईद की नमाज अदा की जाती है, उनकी नमाज ईद अदा की जाती है, वही होगी, वही पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देने देखा कि किस